प्रश्न यहां उठता है कि इन आरोपों और प्रत्यारोपों के पीछे क्या सियासत है। बंगाल के बाद ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी को इस बार बेहद उम्मीद है। यहां लोकसभा की 21 सीटें हैं। पिछली बार बीजू जनता दल यानी बीजेडी को 12 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी का अगर वोट प्रतिशत देखे तो लगभग 17%, 16.9% से बढ़कर 38.4% पर पहुंच गया था। 1 जून को आखिरी चरण में 6 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा की 146 सीटों पर भी मतदान हुआ है। 2019 में बीजेडी को 112 सीटें मिली थी, बीजेपी को महज 23 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी विधानसभा में भी जीत का दावा कर रही है। दूसरी तरफ वीके पंड्यन का कहना है कि ओडिशा आने वाले बीजेपी नेता केवल नवीन बाबू के लिए घड़ियाली आंसू ही बह रहे हैं। वो ओडिशा से जितना खनिज लेते हैं बदले में बहुत थोड़ा पैसा देते हैं। The central leaders who are coming to Odisha repeatedly are the other state chief ministers. Their campaign will not have an impact because they have not done anything for Odisha. They are taking about 60,000 crores from Odisha, repaying only 4,000-5,000 crores. They are all shedding crocodile tears, saying that Odisha is a mineral. और वैसे नवीन पटनायक के कांपते हाथों को छिपाने वाले वीडियो से घिरे वीके पंड्यन ने यह भी दावा किया है कि एक बार फिर नवीन पटनायक ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ओडिशा सरकार के मंत्री और सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले वीके पंड्यन ने कहा है कि 9 जून को नवीन पटनायक ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। यही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी नेताओं पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप भी लगाया है वीके पंड्यन को। हालांकि मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ माना जाता है और कई लोगों का कहना है कि पर्दे के पीछे यही सबसे मजबूत नवीन बाबू के सहायक है। आई थिंक 9th जून itself भूमिपुत्र विल ओनली टेक ओवर द वन ही स्पीक्स नॉट जस्ट ओडिया बट लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ ओडिशा। ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑन 9th जून between 11:30 to 1 p.m. the son of the Sahil who lives in the hearts of 4.5 crores people of Odisha will take over as the chief minister. तमिलनाडु के हैं, पंजाब काडर के थे, फिर उड़ीसा काडर में आए वीके पंड्यन। बीजेपी के नेता वीके पंड्यन पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी ओडिशा सरकार में इस समय मंत्री हैं। उन्हें नवीन पटनायक का न केवल दाहिना हाथ बल्कि राजनीतिक वारिस या उत्तराधिकारी भी माना जाता है, लेकिन बाहरी होने की वजह से ओडिशा में उनका विरोध भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ही नहीं, कई नेता ये मुद्दा उठा चुके हैं कि भूमिपुत्र ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और इसे गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के नेता इन चुनावों में मुद्दा बना चुके हैं। जनता को कहने आया हूं 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बताओ भद्रक वालों, ओडिशा में पर्दे के पीछे से कोई तमिल बाबू शासन चलाए उससे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो हो क्या? आप कमल के निशान पर बटन दबाओ, ये बाबुओं की जगह आपका जनसेवक यहां पर शासन करेगा।